ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज इको फेस्टिवल का मतलब क्या है? परिसर दिवस। ओके क्या आपको झाड़ पसंद है? क्यों आपको झाड़ पसंद है बोलिए? झाड़ हमको क्यों जरूरी है? छांव देता, ऑक्सीजन देता। हाँ, अगर हमको झाड़ नहीं तो क्या होगा आप बोलिए? देखिए यहाँ पर पानी आ रहा है, देखिए कहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी का जरूरत हमको बहुत है। देखिए हर झाड़ को, हर आदमी को, हर एनिमल्स को, हर बर्ड्स को पानी बहुत जरूरी है। ये सब परिसर में मिलते हैं हमको। देखो पानी कौन तैयार करते हैं आपको मालूम? कभी आप देखिए पानी कहाँ से आते हैं बोलिए? पानी कहाँ से मिलेगा आपको? धरती से मिलेगा। पानी कहाँ से मिलेगा इरफान? तो आपको पानी की रक्षा करने का है नहीं? पेड़ को आपको काटना क्या, पेड़ को उगाना, वो बोलिए क्यों? पेड़ को क्या उगाना, क्या क्या हमको फायदा है? पेड़ से हमको क्या फायदा है, एक एक बोलिए प्लीज। क्या फायदा है पेड़ से? हाँ क्या बोलिए बोलिए। वेरी गुड, क्लैप योर हैंड्स। देखिए अगर हम पेड़ उगाए, आपका पसंद जो भी है वो पेड़ आप उगा सकते हैं। ये कौन सी पेड़ है बोलिए जरा? आम का पेड़ है, ये डेकोरेशन पेड़ है। देखिए हमको कैसा पेड़ उगाना जो हमको फल देगा, ऐसा पेड़ हम ज्यादा उगाना। आप देख सकते हैं आजकल लोग बहुत होशियार हो रहे हैं, मालूम हो गए कि नहीं? आपके घर में भी पेड़ है शायद, है क्या नहीं सबके घर में? तो पेड़ क्यों है सबको मालूम हो रहे? हमको पेड़ को प्लांट करना है, पेड़ को नहीं काटना है। फिर भी थोड़ा लोग है वो पागल पागल काम करते हैं, पेड़ को काटते हैं, बेचते हैं, ऐसा करना क्या बोलिए? आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखना, पेड़ कभी भी नहीं काटना। अगर हम किसी को तो मारे तो क्या होगा बोलिए? अच्छा लगेगा क्या? हम किसी को तो खत्म किए तो अच्छा लगेगा, हमको जेल होगा ना? तो पेड़ को काटे तो क्या होगा? नहीं नहीं, पेड़ को काटे तो एक आदमी को मर्डर किया जैसा होगा। हमेशा पेड़ को हम नहीं काटना, पेड़ को भी एक, उसके पास भी जिंदगी है, पेड़ को भी लाइफ है। आपको हमको भी किसी को तो मारे तो हमको चोट लगते ना, तो पेड़ को कट करे तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगा क्या? तो आपको पेड़ को मत काटो, घर में पेड़ को डेली पानी डालो, स्कूल में भी सभी हम सर बोलते हैं नहीं बोलते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सर को बोलो पानी चालू करो, बोलो पेड़ को पानी डालो, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप अभी पानी का सीजन, बारिश का सीजन आ गया है समझो, पेड़ नया नया पेड़ यहाँ पर आप प्लांट करो, प्लांट का मतलब लगाओ, तो आपको भगवान आशीर्वाद देगा। तो मालूम है, तो हमेशा जो भी हमको कुदरत देते हैं, पर एनवायरनमेंट देते हैं, उसको हमको बचाना है, खराब नहीं करना है, मालूम हो गया? ये देखिए कितना, अगर झाड़ नहीं है तो ये स्कूल कैसा दिखता था, कैसा दिखता था बोलिए? थोड़ा भी अच्छा नहीं दिखता था। तो आपको पेड़ उगाना है, पेड़ को बचाना है, नया नया पेड़ लगाना है। तो आज का इको फेस्टिवल है, आज का कार्यक्रम क्या है? इको फेस्टिवल। इको फेस्टिवल का मतलब क्या है? परिसर, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? परिसर हब्बा। ईद किसका? ईद झाड़, एनवायरनमेंट का ईद। मराठी में क्या बोलते हैं आप? हम कन्नड़ में परिसर हब्बा बोलते हैं, एनवायरनमेंट का इको फेस्टिवल बोलते हैं हम इंग्लिश को। आज का दिन महत्वपूर्ण है, हम प्यार करना, हम हमारे झाड़ को प्यार करना, पानी को हमको बचाना, ओके थोड़ा भी खराब नहीं करना। आप करेंगे मुझे अश्योरेंस दीजिए, भरोसा दीजिए, हाथ आगे करिए। आप परिसर को प्यार करते क्या नहीं? ओके धन्यवाद। हम उस तरफ जाएंगे, आओ सभी आओ, उस तरफ भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे कौन सी पेड़ है। आओ हेलो, बंद करो और नए